वोट करना था मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर को, कांग्रेसी पर्चे पर लिखा है राहुल गांधी का नाम। लिटी की किसी ने नहीं किया, किसी ने नाम लिखा, किसी ने राहुल गांधी नाम लिखा, किसी ने ऐसा। चौबीस साल बाद कांग्रेस को नया गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है, लेकिन इस चुनाव में कई लोगों के वोट अमान्य कर दिए गए। आखिर क्यों? कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने बताया। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि जो 416 वोट रिजेक्ट हुए हैं उसमें कुछ ने नंबर लिखा तो किसी ने दस्तखत किए, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने राहुल गांधी का नाम लिख दिया, इसी की वजह से इन वोटों को रिजेक्ट करना पड़ा। अरे भैया, किसी में सिग्नेचर थी, किसी में नाम था, किसी का सही नहीं थी, किसी ने वन किया था, वगैरह वगैरह। बताया तो सही, किसी ने लिटी की, किसी ने नहीं किया, किसी ने नाम लिखा, किसी ने राहुल गांधी नाम लिखा, किसी ने ऐसा। नामांकन के एक दिन पहले चुनाव मैदान में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिया। करीब 8,000 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले, वहीं थरूर के खाते में 1,072 वोट ही आए। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर दो प्रत्याशी थे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री डॉक्टर शशि थरूर। चुनाव के लिए वोट 17 अक्टूबर को डाले गए थे और आज 19 अक्टूबर का उसका काउंटिंग हुआ था। इस काउंटिंग के अंदर दोनों कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट हाजिर थे। टोटल वोट 9,385 पड़े हैं, उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले, डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ।